खिसकते हुए पत्थर, मौत की घाटी, आखिर क्या है डेथ वैली का राज। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्य में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ, और हर रोज की तरह आज भी मैं आप सबके सामने एक ऐसा ही चौंकाने वाला रहस्य लेकर आई हूं, जिससे विज्ञान भी आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है। जिस राज से पर्दा उठाने में सदियों बीत गया, जिस राज को सुलझाने में, जिस अबूझ पहेली को सुलझाने में वैज्ञानिकों का सालों का रिसर्च फेल हो गया, जो अभी भी रहस्य बना हुआ है, मौत के घाटी का पूरा सच क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। कहते हैं इंसानी सभ्यता में पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पत्थर इंसानी सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्थरों ने इंसान को बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ सिखाया भी है। चाहे वो सोने हो, हीरे हो या रत्न आभूषण, सब कुछ तो पत्थरों से ही मिलता है। लेकिन क्या है कैलिफोर्निया में चलते फिरते पत्थरों का राज? कुछ लोग मानते हैं कि आत्माएं हैं जो पत्थरों को खिसकाती हैं, लेकिन आखिर तक कोई भी वीडियो या फिर कोई भी इंसान उसे क्यों नहीं देख पाया है? पत्थरों को खिसकते हुए आज भी वहां कोई नहीं देख पाया है। एक वीडियो कैमरा भी लगाया गया तो कहा जाता है कि मौसम के खराब होने की वजह से वो कैमरा गायब हो गया, लेकिन कैमरा गया कहां आज तक किसी को पता नहीं चला। वैज्ञानिक जब रिसर्च करने गए तब भी वहां एक भी पत्थर नहीं हिला, और 7 सालों बाद वो जिस पत्थर के रीना पे रिसर्च कर रहे थे, 7 सालों के बाद जब वैज्ञानिक वहां से चले गए तो वहां से 1 किलोमीटर दूर पे जब दोबारा वैज्ञानिक आए तो पत्थर मिला। तो आखिर क्या है पूरा रहस्य? आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा सका है। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा विज्ञान भी नहीं उठा पाया है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। अमेरिका के ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है डेजर्ट वैली, जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। धरती के सबसे गर्म जगहों में से एक इस डेथ वैली में ऐसे कई राज हैं जो अब भी यहाँ दफन हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। मौत के इस रेगिस्तान में आखिर क्या है वो रहस्य? क्या है जो इस जगह को मौत की घाटी बना देता है? तब जब इंसान अपने आप को पत्थर से तराश रहा था, जी हाँ सही सुना, इंसान खुद को पत्थरों से तराश रहा था। इंसान के पास आज वो तकनीक है जिससे वो दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है। आज इंसान इतना ताकतवर बन गया है तो सिर्फ पत्थरों की वजह से। इसकी शुरुआत हुई थी पाषाण युग में, यानी स्टोन एज में। मौत के घाटी में खिसकते हैं पत्थर, लेकिन मौत के घाटी में खिसकते पत्थरों का राज अभी भी बाकी है। क्या आपको पता है इन्हीं पत्थरों ने इंसान को पहला घर दिया? इन्हीं पत्थरों से इंसान ने हथियार बनाए और शिकार करना सीखा, यानी इंसान को खाना भी पत्थरों की वजह से मिला। इन्हीं पत्थरों से इंसान ने जाना कि वो आग जैसी भयानक और बेहद उपयोगी साधन को प्रकट कर सकता है। पत्थरों ने आज के इंसानों की नींव रखी है, और अब यही पत्थर एक रहस्य बन गए हैं। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में बड़े बड़े पत्थर अपने आप तैरते हैं, लेकिन आखिर कैसे? सवाल अभी भी आपके जहन में उठता होगा। ये पत्थर रेंगते कैसे हैं, और ये पत्थर निशान भी छोड़ते हैं? ये क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, और कौन है जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह खिसकाता है? रहस्य से भरे कैलिफोर्निया की डेथ वैली में बड़े बड़े और भारी भरकम पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाते हैं। पहले ये जानते हैं कि दुनिया के इस इलाके को मौत की घाटी क्यों कहते हैं, और फिर देखेंगे वो राज जो यहाँ के पत्थरों से जुड़ा है। आपको बता दें कि करीब 120 सालों से ये राज आज भी बाकी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म इलाका कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व का आखिरी छोर है।
यहाँ पर है मौत की घाटी। यहाँ दूर दूर तक इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के रहने लायक जगह ही नहीं है। 225 किलोमीटर की लंबाई और करीब 24 किलोमीटर की चौड़ाई में सुनसान इलाका दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल होता है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। कभी ये अमेरिका में जाने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था और कैलिफोर्निया के आसपास से सोना हासिल करने के लिए और इसी जहोजद में कई गुट आपस में रंजिश की वजह से मारे जाते थे। कई तो तपती रेत के आसमान से बरसते शोलों की वजह से अपनी जान गंवा देते थे। जिस रेगिस्तान को पार करके वे सोने की तलाश में यहाँ पहुँचते थे, वहाँ की रेत उन्हें खा जाती थी। यही वजह है कि इसे डेथ वैली कहते हैं। 1870 में इस पूरी घाटी में एक अध्ययन किया गया और इस दौरान यहाँ जहाँ तहाँ जानवरों से लेकर इंसानों के अवशेष मिले। ये सभी यहाँ के गंभीर हालात की वजह से मारे गए थे और कई इंसान तो ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में हैं कि वे डेथ वैली से होकर गुजरे, लेकिन कभी अपने घर वापस नहीं लौटे, ना ही उनका कभी कुछ पता चला। आखिर क्या हुआ, इस मौत की घाटी का रहस्य क्या है, आखिर कहाँ गए वो लोग? यहाँ का सबसे बड़ा और दुनिया के लिए बेहद अजीब रहस्य है यहाँ के पत्थरों का अपने आप एक जगह से दूसरे जगह खिसकना। किसी सांप की तरह यहाँ के पत्थर रेंगते हैं। 350 किलो तक बोल्डर इधर से उधर घूमते पाए गए हैं। हालांकि किसी ने इन पत्थरों को खिसकते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ये पत्थर अगर किसी दिन एक जगह होते हैं तो दूसरे दिन कहीं और मिलते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सबूत कि वो कहां से कहां खिसके हैं। कैलिफोर्निया के इस डेथ वैली में एक ऐसा इलाका है जहां सपाट जमीन है, ऐसी जमीन जो बिल्कुल सूखी है, और यहीं पर वो पत्थरों का समूह एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हैं। क्या इसका किसी पैरालौकिक पावर से नाता है? क्या इसे कोई जानबूझकर एक जगह से दूसरी जगह खिसकाता है? इन पत्थरों के खिसकने का राज आखिर क्या है? विज्ञान इसे लेकर क्या कहता है और क्या पाया गया है, इसकी पड़ताल आज करेंगे हम आपके साथ। सिर्फ वही निशान मिले जो पत्थर के खिसकने से बने। यहाँ के पत्थर सपाट सूखी जमीन पर सरकते हैं, ये तो सौ आने सच बात है, लेकिन अजीब बात ये है कि पत्थरों को अपने सामने खिसकते हुए किसी ने आखिर क्यों नहीं देखा, ना ही किसी कैमरे में इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये भी एक राज है। वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश की, लैब में टेस्ट किए और जो दलीलें दी गई क्या वो खड़ी उतरी? आप भी देखिए मौत की ये घाटी समुद्र तल से 282 फीट यानी करीब 86 मीटर नीचे है, जबकि इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी करीब 15,000 फीट ऊंची है। इस रेगिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल है, फिर भी यहाँ छोटे छोटे जानवर आखिर कैसे रहते हैं? आपको बता दें कि चूहे, खरगोश, गिलहरी के साथ कीड़े मकौड़े और सरीसृप प्रजाति के जीवों की भरमार है, वो आखिर यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं? डेथ वैली में सिर्फ टिविश जनजाति के लोग एक खास इलाके में रहते हैं। फिर वैज्ञानिक पड़ताल में कभी नहीं पाया गया कि इन पत्थरों को किसी की मदद से खिसकाया जाता है। यहाँ के काबिलाई लोग मानते हैं कि इसमें पैरालौकिक शक्तियों का हाथ है। इन्हें लगता है कि घाटी में भूतों का राज है और वो समय समय पर इसका एहसास इंसानों को कराते हैं। मौत की घाटी में मौत की वजह भी उन बेचैन रूहों को माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ रिसर्च किए हैं। यहाँ पर मौसम बहुत खराब होता है, लोग यहाँ दूर से रहना चाहते हैं। यहाँ पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। रात में यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। आज की तकनीक से पहले उनके खिसकने की वजह नहीं पता था। एक अध्ययन में खास पत्थरों को चुनकर भी देखा गया। हाल ही में कई लोगों ने वहाँ वीडियो कैमरे लगाकर पता करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि मौसम की वजह से कैमरे खराब हो गए या फिर कोई वहाँ से उठा ले गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला।
इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे खिसकते हैं आखिर, और उन्हें कभी खिसकते हुए ना देखा जाना, ना ही कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाना, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि इन भारी भरकम पत्थरों को हवा यहाँ से वहाँ ढकेल रही हो, सिर्फ वही निशान मिले जो पत्थरों को खिसकाने से बने। पत्थरों के खिसकाने को लेकर यहाँ तमाम कहानियाँ भी हैं, तमाम तरह के दावे भी हैं, आत्माओं तक को इससे जोड़ा गया। लेकिन अगर आत्माएं या दूसरी शक्तियां पत्थरों को खिसका रही हैं, तो उसकी कोई तो वजह होनी ही चाहिए। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और विज्ञान के दावों को यहाँ की घटनाएं हमेशा खारिज ही कर देती हैं। तो क्या इस रहस्य से पर्दा उठ गया? क्या ये सब विज्ञान है? नहीं, दरअसल इस प्रयोग ने पत्थर के खिसकाने के रहस्य को और उलझा दिया, क्योंकि पत्थर गर्मियों में भी खिसकते थे, और इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि पत्थर कैसे सांप की तरह रेंगते हैं। पत्थर जिसे किरीन नाम दिया गया, वो इन सालों में जरा भी नहीं हिला था, लेकिन जब वैज्ञानिक वहां से चले गए और साल भर बाद वहां पहुंचे, तो 317 किलोमीटर का किरीन पत्थर अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर मिला। एक रहस्य है, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या 7 सालों में भी ऐसे हालात नहीं बने थे कि पत्थर खिसक सके, और लोगों के हटते ही वो पत्थर खिसक गया, वो भी 1 किलोमीटर तक। नासा भी यहाँ शोध कर चुकी है। स्पेन के कंप्लुटेंस विश्वविद्यालय ने भी वैज्ञानिक अध्ययन किए और कहा कि मिट्टी में माइक्रोब्स की कॉलोनी मौजूद है, यानी बैक्टीरिया के शैवल मिट्टी में है। हालांकि सिद्धांत ने भी सभी सवालों के जवाब नहीं दिए। सर्द मौसम में तो ये सिद्धांत सही साबित होता है, लेकिन गर्म रातों में पत्थर कैसे खिसकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है, ना ही विज्ञान के पास यहाँ के लोगों की कहानियों का जवाब है, जो ये कहते हैं कि ये सब आत्माओं का काम है, परालौकिक शक्तियाँ पत्थरों को खिसका सकती हैं। डेथ वैली दुनिया के लिए एक अजीब रहस्य है, विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। कल मैं फिर हाजिर होंगी एक नए ही और रोचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।